वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो कोई लोग पूछता क्यों जूली कुछ नहीं पढ़ती हूँ ब्लॉग में, तो एक्चुअली मैं ट्राई करूँ। एक्चुअली अभी अर्जुन हमारा 500 नो बजट परे फिक्स करे। अर्जुन मेजरमेंट्स ले आ, लेकिन मेजरमेंट्स रॉन्ग है। एक्चुअली बिफोर वी वेंट टू अर्जुन विलेज, अर्जुन ये मेजरमेंट्स आई मीन अर्जुन ये परे का मेजरमेंट्स ले आ। एंड ही टुक लाइक सिक्स फिंगर्स, नो सिक्स, सॉरी आई डोंट हैव सिक्स फिंगर्स ऑन वन हैंड, आई वाज लाइक सिक्स। मेरे क्या 6 उंगलियों का ऐसे नाप देता, 4 और 5, 6 उंगलियां काट देना बाकी सब हो जाएगा। तो मम्मी ने क्या किया, 6 उंगलियां काटा नहीं, उन्होंने 6 उंगलियों के ऊपर फोल्ड कर दिया ऐसे करके। हालांकि गलती मेरी थी, मैंने मार्क भी किया था, लेकिन अभी क्या कर सकते, थोड़े लंबे कट गए, अभी भी नीचे लटक रहे हैं। अभी कुछ ना कुछ जुगाड़, देसी जुगाड़ बैठाना पड़ेगा इनका। हाँ, तो ही एक्चुअली पुट ये स्टिक, ये ऊपर वाला स्टिक थोड़ा और ऊपर, तो स्टिक ऊपर करनी पड़ेगी हमको, तब जाके सही होंगे। तो अभी चलेगा। देखो देखो, धूप निकली, धूप निकली, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, तुम भी बहुत खूबसूरत हो आज। सामने देखो, अभी होगी बहुत तारीफ है। सो अभी हमारा प्लान है थोड़ा बिग बाजार या फिर किसी भी मॉल में चल जाने का, क्योंकि ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है। एक तो सबसे मेन, इतने दिन गांव गए थे तो कुछ भी खाने का कुछ भी नहीं है घर पे, तो बेसिकली वो थोड़ा ग्रोसरी का शॉपिंग वो करना, आलू प्याज टमाटर खरीदने हैं, और थोड़ा ट्रेवल का प्लान बन रहा, तो उसके लिए थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग। तो देखो हाँ, थोड़ी मतलब थोड़ा सा ट्रेवल, मतलब लंबा ट्रेवल, बहुत लंबा, गदर वाला, बड़ा वाला ट्रेवल, मतलब आपको मजा आ जाएगा सबको। इतना ट्रेवल तो किसी ने एक टाइम पे किसी ने नहीं किया होगा ऐसा ट्रेवलिंग, तो ऐसा खतरनाक। और बच्चे थे मतलब रोड के बीच के अंदर आ गए थे, तो इतना थोड़ा लंबा प्लान है। तो पहले शॉपिंग करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्या क्या करना है, आपको बताएंगे, एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्लान है हमारा। एक दो दिन में नहीं, लास्ट आप हमको 5 दिन दे दीजिए, 5 दिन के अंदर आपको पूरा रिवील कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या अपना जयपुर का बसुड़ी चौराहा, बहुत दिन हो गए बसुड़ी चौराहे के बारे में बोले हुए, तो ये बसुड़ी चौराहे, तो ऐसे बसुड़ी मस्ती है यहाँ पे। ये सिग्नल नहीं है ना, सिग्नल है लेकिन वो उसकी वो येलो लाइट ब्लिंक होती रहती है, मतलब सिग्नल है ही नहीं ना, वो येलो लाइट वाला सिग्नल है, मतलब अपना देख दिखा के, मतलब पुलिस वालों ने भी बोल दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया, भैया अपना देख, अपना अपना देख लो सब, ठीक है अपने अपने हिसाब से निकाल लो, हमारे समझ के नहीं है। तो इतनी बसुड़ी है यहाँ पे, अभी निकलो भैया निकलो। ओ ओ, तो मैं चुप रहेगा नहीं साला, मैं चुप नहीं रहेगा ट्रैफिक के बारे में, मैं पक पक करता रहेगा, वो आदमी आ रहा है, आदमी आ रहा है, अब मैं बोल रहा था मैं बोलेगा, मैं बोले बिना रहेगा नहीं, मैं पक पक करेगा साला, मैं पक पक करेगा, मैं ट्रैफिक के बारे में बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, जब तक लोग सुधरेंगे नहीं, जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक चुप, तब तक चुप नहीं रहेगा मैं, जब तक सुधरेगा नहीं तब तक चुप नहीं रहेगा। आई लव सनसेट मैन, आई लव सनसेट, लाइक ये जो लाइट होती है ना सनसेट वाली, चुम्मा जगह, मतलब ये जगह एकदम चुम्मा जगह है, रोड भी है ना एकदम, उन्होंने पाम वाम के ट्री लगा रखे हैं, एकदम सही सही रोड बनाई है उन्होंने। तो हमारी शॉपिंग हो गई है, हमारा ट्रॉली भी बहुत भारी है, मतलब ऊपर चढ़ने में इतना जोर आ रहा है, पता है कि हमने क्या क्या खरीदा है। ये देखो भाई साहब, पूरा मॉल घुमा दिया, खरीदा लिया कुछ भी नहीं, अभी खाली एक मेकअप का पाउडर लिया, खाली एक छोटा सा, और इसको लेके मेरे को पूरा ऊपर आना पड़ा है, पूरा बिग बाजार के 3 फ्लोर के ऊपर ये ट्रॉली चल रही है। अरे यार चलो कोई नहीं, चलेंगे 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 चले ज्यादा। बस तो एक साल बाद में हम फाइनली लिफ्ट में गए हैं बिग बास्केट में। यूजुअली वी ऑलवेज गो दिस रैंप व्हिच इज लाइक सुपर डिफिकल्ट। ओके दोस्तों, तो हम बैक कार में, एंड ये हो गया, देखो देखो इतना गुरु है आपका, हाँ इतना गुरु है। ककलाका मतलब कॉकरोच एक्चुअली, लेकिन ये यू नो ये पूरी मतलब नहीं है, लाइक आई मीन इट इन बैड वे। रुको, मुझे भी मिलना है मेरे बच्चे से। अ
अभी उठ जाओ, चलो चलो उठो उठो, उसको देखो प्यार से बैठा बेड के ऊपर। भाई धूप निकल रही है खतरनाक वाली आज तो, है ना, पूरा का पूरा एकदम मौसम गर्मी आ गई। अभी अभी सर्दियों का वो मौसम नहीं है, सर खाली रात को सर्दी पड़ती है तो एकदम थोड़ी सी, बाकी तो टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, मजे मजे वाला टेम्परेचर। अगर ऐसा टेम्परेचर रहे ना तो बस मजा आ जाए ना, ऐसा टेम्परेचर मतलब 20-22 डिग्री का टेम्परेचर रहता है ना जब, तो एकदम मतलब प्लेजेंट सा रहता है ना, सर्दी रहती है ना गर्मी रहती है, तो ना अलग मजा। अभी साला जून जुलाई आएगा 50 डिग्री का टेम्परेचर पड़ेगा, उसमें पसीने पसीने सारा एकदम पूरा नीचे से निकलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से तो निकलता है बॉडी से और नीचे निकलता है पैंट से, तो पसीना बहुत मतलब गर्मी अभी बहुत बेकार हो, सर्दी भी हो जाती है एकदम कुकड़ी ऐसे थकता था। लेकिन अभी का जो मौसम है परफेक्ट वेदर, मतलब एकदम परफेक्ट प्लेजेंट मौसम, इसमें ना आपको पंखा एसी चाहिए ना आपको हीटर चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत अलग से होती है, पैसे की बचत अलग से होती है और मजे अलग से होते हैं। अभी आ जाओ चलो चाय नाश्ता करते हैं बाबू, चलो 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 चाय, हाँ चाय तुम बनाओगे अच्छा वाला काट दिया मैंने तुम्हारा, तुम चाय बनाओगे ठीक है, मैं एडिटिंग करूंगा ठीक है, फिर आ जाओ। हमारे घर में सोनू से ज्यादा अंगड़ाई है तो जूली लेती है इसे, उठते उठती सोना हो गया हमारा मुंडा, सोना हो गया, सोना सोना पहले भी था, सोना फिर हो गया, सोनू समोसा हो गया, बाल काटने के बाद यार क्या सही लग रहा है ना, एकदम पूरा एकदम हैंडसम डॉग, हाँ हैंडसम हैंडसम वेरी प्रीटी सेक्सी डॉग, मेरी चाल भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी, मेरी मेरे दांत भी सेक्सी ओए सोनू ये क्या है, ये क्या है, ओए दिस कैट ऑफ अरे व्हाट डू यू हैव इन योर माउथ, ये मेरी ब्रश है, ओह माय गॉड, हे वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, आई डोंट नो, छोड़ इसको, नो ही इज ब्रशिंग हिज टीथ, नो ब्रश करनी है, गुड बॉय, गुड बॉय, where did he get it from? So I gave it to him. He can play with it now. What to do? Yeah. No, here, take it. Enjoy. But kya leke? Sunuka, new toy, huh? मेरा योगा हो गया है। गाइस बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि उस दिन चूहा था वो क्या क्या खा के गया है, तो उसने सोनू का खाना खाया, टमाटर खा गया और घी भी खा गया, मतलब ये घी के अंदर अभी इसको, हाँ ये यहाँ से इसने छेद करके यार नुकसान नया कोई बात नहीं, मैं मम्मी को बोलूंगा गाय का घी शुद्ध देसी घी चाहिए अभी अपने को ना, अपने अभी चाहिए शुद्ध देसी घी, गाय का नहीं चूहा नहीं घी चाहिए शुद्ध देसी, लाइक फ्रॉम गाय द काउ फ्रॉम द विलेज, वी नीड दैट घी फ्रॉम द विलेज, वो घी लेके आएंगे नेक्स्ट ट्रिप में ना ठीक है, अभी तो हो गया इसका जुगाड़ जो भी है ठीक है, खत्म टाटा बाय 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 टाटा। एक्चुअली दोस्तों गाय का छुपा मैंने बहुत पेट दांत था, I mean I really had bad belly pain and then later on I read in the internet that चूहे से बहुत dangerous sickness हो सकता है, तो like salmonellas or like other sicknesses, so just to be sure now अभी मैं पूरा किचन सफाई करूँगी, just you know I really don't want to get any food poisoning anymore, I don't want to risk it, so ये मेरा काम आज। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो कोई लोग पूछता क्यों जूली कुछ नहीं पढ़ती हूँ ब्लॉग में, तो एक्चुअली मैं ट्राई करूँ हिंदी लाइक शुद्ध हिंदी बोल बोल पड़ेगा बोलना तो हाँ मैं ट्राई करूँ, लाइक इट्स रियली हार्ड, इतना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन लाइक आई डोंट वॉन्ट टू टॉक इंग्लिश at you all talk in English. Yeah, why not? But I don't want to because I want to learn the Hindi and I know that like at least 50% of the people do not know English and the other 100% or let's say 99% they do know Hindi, so Hindi is the right language, I want to learn this language and I can use this opportunity to speak Hindi, hai na, to ha actually like not only in videos even like gamma मैं शुद्ध हिंदी बोल ट्राई करूँ, मैं हिंदी सीखना इसलिए मैं थोड़ा काम बोलती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन व्हाट डू वी कॉल ट्रेन, लाइक ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गाड़ी ना रेलगाड़ी रेलगाड़ी और पता शुद्ध हिंदी में पता क्या बोलते हैं, लोहा पथ
काम ही नहीं. Like Hindi is such a seducing language, right? Like Lohapat Kamini. और फिर उसके बाद था क्रिकेट गोल गटम लकड़पटम तनातर मार प्रतियोगिता. बता रहा हूँ ना, हिंदी बहुत सेडिशिंग लैंग्वेज है. मतलब आप शुद्ध हिंदी बोलते हो ना अमिताभ बच्चन के जैसे, अमिताभ बच्चन बोलता है या फिर यूपी वाले लोग ही बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी. वो शुद्ध हिंदी मतलब हाई, उसका लेवल ही अलग है, हाई लेवल हिंदी है. करूंगी. तुम सीख करोगे, तुम सीखोगे. आज वैसे हग डे गाइस, हग डे, तो हग दे दे. हग डे, हग डे. पहले कल का वीडियो था रोज डे वाला, मतलब रोज डे का हमने मनाया नहीं था. रोज डे वाले तो हम गांव थे, तो हमने कल ही सेलिब्रेट कर किया था रोज डे. कल रोज डे, आज हग डे है ना. आज शायद हग डे है, कल पता नहीं कौन सा डे है. मेरे को तो मतलब पता ही नहीं होता. सारे दिन हमारे तो वैलेंटाइन डे होता है. कल सारे दिन तुम्हारे साथ, एवरी डे इज अ वैलेंटाइन डे. ओके, चाव चाव बना के लाओ.